ऑलराइट, इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में इतनी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है किसी भी बाइक को लॉन्च होते हुए। जी हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंडिया के, इस बाइक की लॉन्च डेट इतनी बार चेंज हुई है जितनी किसी भी बाइक की नहीं हुई है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल एनफील्ड की मीटियोर बाइक। चाइनीज वायरस इंडिया में आने से पहले ये बाइक काफ़ी समय पहले लॉन्च होने वाली थी, बट नहीं हो पाई। ऑब्वियस रीजन, लॉकडाउन एंड वायरस, सारी सिचुएशन आप लोगों को पता है। बाइक की प्राइजेस ही नहीं बढ़ी है, बाइक की डेट्स भी बढ़ चुकी है। तो जब तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, आपको पता है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अब निकल के आ रही है न्यूज़ सामने कि रॉयल एनफील्ड की मीटियोर आने वाले कुछ समय में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड मीटियोर के बारे में। अब नई बाइक आ रही है तो नया इंजन भी आएगा ना। जी हाँ, नया इंजन तो आ रहा है, बट वही सेम जो प्लेटफॉर्म था 350 यूसी यूनिट जो था, उसी पे बेस ये 346 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन हमको इस नई रॉयल एनफील्ड मीटियोर में देखने को मिलेगा। अब ये जो नया इंजन है ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन रहने वाला है। इसका मतलब इसकी जो पावर फिगर्स है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। 20.2 bhp का इसका पावर रेशियो रहेगा एंड 27 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क रहेगा। अगर कंपेयर करते हैं पहले 350 यूसी यूनिट के साथ में, तो पावर फिगर्स बीएचपी के मामले में एक से कम हो रही है, बट टॉर्क में एक से अप हो रही है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने कभी ना कभी तो रॉयल एनफील्ड को चलाया ही है। एक दिक्कत हमको हमेशा रही है, जब भी हम गियर शिफ्ट करते थे, क्लच दबा देते, तो इसमें हमको थोड़ा क्रैंकीनेस ज़्यादा महसूस होता था, थोड़ा क्लटरी रहता था। बट उसको स्मूथ करने के लिए एक नया ट्रांसमिशन इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि अपने को स्मूथ और एक्सपीरियंस देगा वाइल प्रेसिंग द क्लच एंड शिफ्टिंग द गियर्स। अब कोई भी पॉजिटिव चेंज किस लिए किया जाता है? फॉर द ऑब्वियस रीजन, बाइक में रिफाइंड इंजन मिलेगा, राइडिंग क्वालिटी अच्छी होगी, राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, बेटर फ्यूल इफिशियंसी मिलेगी इसकी वजह से, और साथ ही साथ बाइक का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अप होगा पुराने 350 यूसी यूनिट से। अब रॉयल एनफील्ड की ये जो नई बाइक है मीटियोर, ये आने वाली है जे प्लेटफॉर्म पे। अब जे प्लेटफॉर्म क्या है, मैं सिंपल में बता देता हूँ। नया चैसी आ रहा है जे शेप में, ऐसा समझ लीजिए आप। साथ ही साथ इसकी जो अर्गोनॉमिक्स है, अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं, तो रॉयल एनफील्ड ने अपने राइडर्स का, अपने कस्टमर्स का, कंज्यूमर्स का फीडबैक लिया है और अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है रॉयल एनफील्ड। मुझे ऐसा लग रहा है अब रॉयल एनफील्ड के ध्यान में आ गया है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए चैसी में चेंज आ गया है। हैंडल बार थोड़े अपराइट किए गए हैं, यानी कि अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आप बाइक को चलाते हो तो आपके बैक में स्ट्रेन नहीं आएगा। जिन जिन लोगों को पता है अपराइट पोजिशन में बाइक चलाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को। बात कर लेता हूँ ब्रेकिंग ड्यूटीज़ की, सस्पेंशन की। जी हाँ, सस्पेंशन लगभग सेम रहेगा क्योंकि ये थंडरबर्ड का सक्सेसर है, तो थंडरबर्ड के जैसा ही फ्रंट टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक रहेगा, पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर रहेंगे, साथ ही साथ दोनों तरफ डिस्क ब्रेक रहेंगे। मेरा तो बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है थंडरबर्ड पुरानी वाली का। थंडरबर्ड का सक्सेसर रॉयल एनफील्ड मीटियोर में दोनों साइड में आपको डिस्क देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, द मोस्ट सेफेस्ट चीज मैं बोलूंगा वो रहती है ABS। तो इसमें ड्यूअल चैनल ABS आपको एज अ स्टैंडर्ड मिलेगा। अब बात करता हूँ टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव हो रहा है रॉयल एनफील्ड, मैंने पहले क्यों कहा। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड में फाइनली एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसा ऑप्शन हमको इस रॉयल एनफील्ड मीटर में देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसमें ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जो मेन वाला बड़ा इंस्ट्रूमेंट कंसोल रहेगा वो एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर होती उसके लिए रहेगा, और दूसरा वाला रहेगा नेविगेशन के लिए। आपका फ़ोन ब्लूटूथ के जरिए बाइक से कनेक्ट होगा और आपको मैपिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ये रॉयल एनफील्ड का नया फीचर आई गेस, और इसको TNU यानी कि ट्रिपर नेविगेशन यूनिट बोला जाता है। और आगे की इन्फॉर्मेशन मतलब गूगल का पूरा मैप तो नहीं दिखेगा, बट आपको डायरेक्शंस उस छोटे वाले नेविगेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा आपका फ़ोन कनेक्ट होते ही। इतना ही नहीं, रॉयल एनफील्ड मीटियोर में वन ऑफ द आई थिंक वेरी गुड डिसीजन बाय रॉयल एनफील्ड, USB चार्जिंग पोर्ट भी है। तो आपको अलग से कोई चार्जर खरीद के बाइक पे लगा के नेविगेशन यानी अपना फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेविगेशन के बारे में एक छोटी सी बात शेयर कर दूंगा। पेस नोट टाइप के एरोज आपको इस बाइक में देखने को मिलेंगे, जो कि आपको एग्जैक्ट पूरा तो नेविगेशन नहीं गूगल मैप के जैसा आएगा, बट सिंपल पेस नोट एरो जिसको बोलते हैं वो आएगा। और साथ ही साथ बहुत ही गजब बात, डे एंड नाइट मोड भी दे दिया इन्होंने। गुड जॉब रॉयल एनफील्ड। और जो मेन इंस्ट्रूमेंट कंसोल रहेगा उसमें वही रेगुलर, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ट्रैकोमीटर, ट्रिप मीटर,
अपना स्पीड एंड फ्यूल इकोनॉमी, ये सारे रेगुलर फीचर्स भी उसमें देखने को मिलेंगे। अगर हम रॉयल एनफील्ड की मीटर को देखते हैं तो हमको एक बॉबर स्टाइल बाइक देखने को मिलती है। जी हाँ, बॉबर स्टाइल को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को बनाया गया है, ऐसा लग रहा है डिजाइन के तौर पर। स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक देखने को मिलती है, राउंड शेप का हेडलैम्प देखने को मिलता है जो कि हैलोजन वाला है, बट उसके ऊपर LED DRS दिए है जो कि आफ्टर मार्केट हर रॉयल एनफील्ड वाला लगभग यूज करता है। तो रॉयल एनफील्ड ने अपने ओर से ही उसमें एडिशन दे दिए। साथ ही साथ जो पीछे की साइड है उसमें भी LED टर्न ऑन इंडिकेटर दिए है जो थोड़ा लो स्लंग है, यानी कि एक बॉबर लुक को वो कॉम्पनसेट करता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन अगर हम ध्यान में रखते हैं तो पूरा बॉबर स्टाइल में रॉयल एनफील्ड का मीटियर देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आई थिंक अराउंड 15 लीटर्स के आसपास रखी है इस बाइक में। जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है उससे एक ऑब्वियस रीज़न है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इतनी सारी इंप्रूवमेंट हो रही है तो एक जगह पे इंप्रूवमेंट हो जाती है, एक सिक्स्थ गियर अगर ऐड कर देते तो लॉन्ग राइडर्स के लिए थोड़ा और ज़्यादा काम में आता है। बट खैर कोई बात नहीं, जब दे रहा है दुरुस्त है, धीरे धीरे आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 5-speed के गियर बॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेता हूँ इसके कलर ऑप्शंस की। रॉयल एनफील्ड का ब्राउचर लीक हुआ है, उसमें हमको 3 variants देखने को मिल रहे हैं, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। फायरबॉल में अपने को 2 color options मिलते हैं, ग्लॉस येलो एंड ग्लॉस रेड। टेलर वाले वेरियंट में हमको देखने को मिलते हैं रेड मेटालिक, मेट ब्लैक एंड मेटालिक ग्लॉस ब्लू। सुपरनोवा वर्जन में हमको देखने को मिलता है ड्यूअल टोन पेंट में ये बेची जाएगी ब्राउन एंड ब्लू में, जो कि मुझे लगता है सुपरनोवा वाला वेरियंट थोड़ा अच्छा रहेगा देखने में। तो एलॉय व्हील्स है इसमें, तो ट्यूबलेस टायर्स 100% इसमें रहेंगे ही रहेंगे, एंड बाकी की जो नॉर्मल बातें होती है वो तो बाइक में रहती ही है। बाइक है तो बाइक के जैसे ही दिखेंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो कि इसकी प्राइस। तो 1.65-68 lakh के आसपास ये बाइक आएगी। तो जो अब नई रॉयल एनफील्ड लेने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए एक मॉडर्न रेट्रो बॉबर स्टाइल की बाइक आ रही है, तो आप अपने डिसीजन को थोड़ा होल्ड कर लीजिए, बाइक को लॉन्च होने दीजिए। 22nd of September को एक्सपेक्टेड है, डोंट कोट मी ऑन दैट, एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं 22nd September को अगर लॉन्च होती तो यू कैन टेक अ टेस्ट राइड। और जे प्लेटफॉर्म पे इसका मतलब लेडी राइडर्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लाइट वेट रहने वाली है। एग्जैक्ट डेट वेट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं निकले तो अभी अपन शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी रॉयल एनफील्ड मीटर 350 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अगर आप ऐसे ही इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बाइक इन्फॉर्मेशन वाले सेगमेंट को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स आपके लिए भरा, मतलब खुला पड़ा है। आप कमेंट करके अपनी राय, ओपिनियन, सजेशंस सारा कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई एम ट्राइंग टू गेट रेगुलर ऑन दिस चैनल, तो हफ्ते में 2 videos मैं कोट कर रहा हूँ। आज संडे, ये वीडियो संडे को आ रहा है, तो रेगुलर आएंगे अपन हफ्ते में कम से कम 2 videos। टारगेट तो 3 का था, बट 2 videos अपन ज़रूर शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।